गाइस वेलकम टू द चैनल येट अगेन। आज की वीडियो को एंड तक देख लेना, आपकी पफी निप्पल्स, फ्लफी चेस्ट, फ्लफी बेली, फ्लफी फेस, कहीं भी कुछ भी फ्लफी है वो सारा का सारा हार्ड हो जाएगा। उसका वन स्टेप सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आज से पहले जो भी इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाई है उससे समहाउ बहुत सारे लोगों का ये डाउट क्लियर ही नहीं हुआ कि एक्चुअली में पफीनेस का डायरेक्ट सॉल्यूशन है क्या। तूने तो बोल दिया, मतलब मुझे ऐसे कमेंट्स आए कि भाई तूने तो बोल दिया कि फैट लॉस कर लो, पानी ज्यादा पी लो। नहीं, अब आज मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज बताऊंगा जो आपको करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि बातें घुमाने से सोल्यूशन नहीं निकलता। मैंने सोचा था कि मैं आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोल्यूशन दूं, वो तो मैंने दे ही दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन भी दे देता हूं कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। तो मैंने कैसे अपने पफी निप्पल्स और फ्लफी बॉडी से इजाद पाई, आज की वीडियो में एंड तक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आज से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे जो बहुत वायरल चली गई थी, बट समहाउ उसके अंदर डायरेक्ट सोल्यूशन मैंने दिया ही नहीं। इमैच्योर यूट्यूबर था भाई, क्या हो गया, अब बड़े हो गए हैं थोड़ा सा। एग्जैक्टली मुझे पता है कि अगर किसी की हेल्प करनी है, अपनी ऑडियंस को सोल्यूशन देना है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन दो, फिलोसफिकल बातें मत करो। तो मैंने तब ये माइंडसेट से वीडियो बनाई थी कि मैं आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि करना क्या है, फैट लॉस करना है, पानी ज्यादा पीना है, आपकी स्किन में जो पानी होल्ड होता है उसको आपको गेट रेड करना है, तो उसका मैंने आपको सोल्यूशन दिया था। बट आज मैं आपको एग्जैक्टली वही स्टेप्स दे दूंगा जो आज तक मैं फॉलो करता हूं अगर मैं कभी दोबारा से पफी हो जाता हूं, क्योंकि इंसान भाई रिवर्स मार देती है बॉडी कभी कभार। एंड जो स्टेप्स मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूं जिससे उनके गारंटीड रिजल्ट्स आते हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ पफी टू श्रेडेड वाली ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही होंगी, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये स्टेप्स ओके टेस्टेड, ओके रिपोर्ट, डबल रीचेक कंफर्मड, एंड जो भी आपको समझना समझ लो, मतलब कि ऑथेंटिसिटी तगड़ी है इन स्टेप्स की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट स्टेप, व्हिच इज टू एलिमिनेट सेंसलेस एक्सरसाइजेस एंड टू जस्ट फोकस ऑन स्टिमुलेटिंग द टारगेटेड मसल। अब अगर यहां पे मैं चेस्ट की बात करूं और आपका अगर रिप के छोटा या बड़ा है, या आपका माइंड मसल कनेक्शन बेंच प्रेस पे अच्छा नहीं है, सो बेंच प्रेस इज अ सेंसलेस एक्सरसाइज फॉर यू। अब वहीं पे मैं बेंच प्रेस को रिप्लेस कर दूं मशीन चेस्ट प्रेस से, तो मैंने अपने क्लाइंट्स में ये देखा है। मैं यहां पे किसी स्टडी की बात नहीं करने वाला आज, मैं सिर्फ और सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंसेस की बात करूंगा जो मैंने 5500 से ऊपर लोगों जो मैं ट्रेन कर चुका हूं ना उनके साथ मैंने देखा है काम करते हुए। तो अगर मैं बेंच प्रेस को रिप्लेस करके मशीन चेस्ट प्रेस से उनको दे देता हूं करने को, सो दे एक्चुअली स्टिमुलेट द मसल क्वाइट इजीली, चाहे वो बिगिनर भी क्यों ना हो, क्योंकि मशीन में एक प्रीसेट पाथ होता है और आपको अपने आप को बताना नहीं होता कि अच्छा मुझे यहां से यहां तक जाना है। स्टेबिलिटी फैक्टर तो वहां पे नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ योर कोर टू बैलेंस द लोड दैट यू पुट ऑन योर बॉडी। तो अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो वहां पे आपको बहुत स्टेबिलिटी का भी ध्यान देना है, आपको रेजिस्टेंस प्रोफाइल का भी ध्यान देना है, जो आपका पाथ एंड रेंज ऑफ मोशन है उसका भी ध्यान देना है। देन अगर आपकी मोबिलिटी वीक है, अगर आप नीचे जा रहे, फॉर एग्जांपल आपकी शोल्डर मोबिलिटी नहीं है वहां पे, तो इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल दैट वेट। पर वहीं पे मशीन है तो आप बहुत आसानी से स्टेबिलिटी को वहां से डिलीट कर सकते हो। देन आपको कोई पाथ फॉलो नहीं करना, जो फिक्स्ड पाथ है उसी में ही ट्रेन करना है। एंड देन अगर मोबिलिटी नहीं है तो आप पार्शियल रेप्स भी मशीन पे आसानी से मार सकते हो एज कंपेयर टू फ्री वेट। सो इसलिए चूज करो वो एक्सरसाइजेस जिसमें स्टेबिलिटी फैक्टर ना हो और असिस्टेड पाथ आपको मिले, तो मतलब सारी की सारी मशीन एक्सरसाइजेस ओवर एनी काइंड ऑफ डंबल और बारबेल एक्सरसाइजेस। एंड एक और एग्जांपल में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो फॉर एग्जांपल आप डंबल साइड रेस करते हो तो वहां पे 99% लोगों का जो माइंड डंबल से कनेक्शन है वो बन ही नहीं पाता, उनको एक्सप्लेन करते रहो कि कैन उल्टा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट दैट्स हार्ड टू डू। सो इफ दैट्स हार्ड फॉर यू टू डू, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपना कफ यहां पे लगा लो, जो जब आप केबल पे करोगे तो अपना कफ एल्बो पे लगा लो, एंड देन यू कैन जस्ट स्टिमुलेट योर शोल्डर क्वाइट इजीली करके देखना, क्योंकि वहां पे आपका एक प्रीसेट पाथ हो गया। वहीं पे लेग्स में अगर मैं स्क्वाट की बात करूं, तो स्क्वाट के बजाय आप गोबलेट स्क्वाट या लेग प्रेस कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो पॉइंट समझने की कोशिश करो, जब तक आप उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट और लेंथन नहीं करोगे तब तक आप वहां से फ्लफीनेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लफीनेस को एलिमिनेट करने के लिए यस फैट लॉस इज इंपॉर्टेंट, पर ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो फैट लॉस करने के बाद भी स्किनी फैट रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देर आरंट एबल टू स्टिमुलेट देर मसल वेल, उन्होंने टारगेट ही नहीं किया ढंग से अपनी चेस्ट को या अपनी कोई भी जो भी उनका पफी एरिया रह गया, तो वहां पर मसल ही बिल्ड नहीं हुई। एंड अगर मसल नहीं बिल्ड होगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट और लेंथन तो ऑब्वियसली नहीं करना जानते हो, एंड दैट इज वाई वाटर रिटेंशन भी आप वहां से नहीं हटा सकते। अगर आपको वाटर रिटेंशन स्पेसिफिकली, स्पॉट रिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैं स्पॉट रिडक्शन भी पॉसिबल है उसको तो छोड़ो आप, मैं यहाँ पे स्पॉट वाटर रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। स्पॉट वाटर रिडक्शन एब्सोल्युटली पॉसिबल है यहाँ पे, जो मर्जी आ जाए अपने क्लेम्स लेके, मैं यहाँ पे डेड श्योर होकर ये कह सकता हूँ कि अगर आप किसी बॉडी पार्ट को स्टिमुलेट करो, मसल को, मसल ग्रुप को, बॉडी पार्ट को नहीं मसल ग्रुप को स्टिमुलेट करो, दैट मसल ग्रुप के ऊपर की जो सबक्यूटेनियस स्किन लेयर है वहां से पानी निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज द वाटर वुड गेट पुश्ड इनटू योर मसल बेलीज। तो जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मसल को डिमांड है वाटर की, न्यूट्रिशन की, तो आपका ब्लोट कम होगा ही होगा डायरेक्टली। तो इफ यू आर फीलिंग पफी टुडे, जस्ट गो एंड फकिंग ट्रेन, जस्ट डोंट
डोंट थिंक कि मैं आज का ट्रेनिंग सेशन मिस कर दूं क्योंकि मुझे सोरनेस फील हो रही है एंड स्टफ. गो एंड ट्रेन, चाहे लाइट वेट से करो पर ज्यादा रेप्स करो, चाहे फेलियर तक करो या ना करो, पर गो एंड ट्रेन, योर ब्लोट वुड ड्रास्टिकली इंप्रूव. देन सेकंड स्टेप है लूज फैट ऑन अ हाई कार्ब डाइट. अब जो यहाँ पे कीटो डाइटर्स हैं, जो लो कार्ब डाइटिंग करते हैं, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है, दे आरंट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट देयर मसल दैट वेल. मतलब हाँ कर सकते हैं, उसके लिए उनको अडैप्ट होना पड़ता है एंड स्टफ, बट 99% जो इंडियन ऑडियंस है, मैं यहाँ पे उसको टारगेट कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग जो हैं वो बचपन से ही, एज जीत सलाल ऑल्सो सेड इन वन ऑफ हिज वीडियोस, हम पैरों पे चलते हुए आए हैं. तो वन फाइन डे हमें कोई बोल दे कि हाथों पे चलने लग जाओ, तो हाँ अडैप्ट कर लेंगे, अगर अडैप्ट कर लिए तो चल भी लेंगे, बट क्यों करना है? मतलब when everything is fine, then why do you need to play with your body? Researches have also shown कि हाई कार्ब डाइट पे परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेटर होती है एक लो कार्ब डाइट से, जो मर्जी कह लो इसके ऊपर आप. और कार्बोहाइड्रेट जब आपकी बॉडी में एडिक्वेट होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटर होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटर होगी तो आप पॉइंट नंबर वन को रिस्पेक्ट कर पाओ. आप एविडेंस के तौर पे बॉडी बिल्डर्स को भी देख लो पीक वीक में, जब वो पूरे डिप्लीटेड होते हैं, जब उनका डे वन होता है पीक वीक का, दे लुक सॉफ्ट, चाहे वो पूरे श्रेडेड है, उन्होंने पूरा फैट खत्म कर दिया अपनी बॉडी से, दे आर इन सिंगल डिजिट 5-6% बॉडी फैट, फिर भी वो उस दिन पे बहुत सॉफ्ट लग रहे होते हैं. फिर उसके बाद उनकी कार्ब लोडिंग शुरू होती है, जिसकी वजह से वो स्टेज पे एकदम हार्ड अपीयर करते हैं, जिसकी वजह से वैस्कुलर अपीयर करते हैं, उनकी मसल और टाइट अपीयर करती है. क्यों? क्योंकि आपका डिप्लीटेड बॉडी जो है, जब उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो योर बॉडी अंडरगोज ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट, जिसकी वजह से आपकी मसल के अंदर जो सारा का सारा पानी जो आपकी स्किन में घूम रहा है, वो मसल के अंदर पुश हो जाता है. एंड माइंड यू, एवरी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैरीज 3 ग्राम ऑफ वाटर अलोंग विद इट. तो अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो ना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 0 कार्ब डाइट करी है पिछले बहुत सारे दिनों से और आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है, तो अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपका मिनिमम 300 ग्राम वेट बढ़ेगा, एंड दैट वेट वुड बी वाटर वेट. अब वो डिपेंड करता है आपने ट्रेन क्या किया है और आपने अपनी मसल के अंदर उस पानी को घुसाया है कि नहीं घुसाया है. अब यहाँ पे आप सोचोगे यार मैं ट्रेन अच्छा नहीं करता तो मैं कार्बोहाइड्रेट भी छोड़ देता हूँ, फिर तो मैं श्रेडेड हो ही जाऊंगा. नहीं, यू बिकम स्किनी फैट. यू नीड टू हैव अ हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड मॉडरेट फैट डाइट. अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू ट्रेन हार्ड. तो अब यहाँ पे मैं सारी की सारी जनता को नहीं कह रहे करने को, सिर्फ उनको कह रहा हूँ जो ये वीडियो जिस टाइटल की वजह से देख रहे हैं कि उनको फ्लफीनेस अपनी बॉडी से खत्म करनी है. ट्राई दिस आउट फॉर 12 वीक्स, यू विल थैंक मी लेटर. हाई कार्ब, हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट अलॉन्ग विद अ हार्ड टॉर्चरिंग ट्रेनिंग रूटीन, योर फ्लफीनेस वुड गो अवे, प्रोवाइडेड यू आर इन अ डेफिसिट एज वेल. वो मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर ही नहीं कर रहा क्योंकि वो सबसे पहला चैप्टर वन है कि भाई आपको फैट लॉस तो करना ही करना है, उसके बाद ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. देन पॉइंट नंबर 3 है स्लीप मोर. जितना ज्यादा सोगे उतना ज्यादा हार्ड अपियर करोगे, इसमें और कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन बचा ही नहीं है. ये पर्सनली टेस्टेड भी है, क्लाइंट्स के ऊपर भी टेस्ट करके देख लिया, रिसर्चेस भी शो करते हैं. जितना ज्यादा आप अच्छे से सोगे, जितना ज्यादा घंटों के लिए, जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में आप सोगे, ऐसा नहीं कि आप सुबह के 6 बजे सो रहे हो और रात के 8 बजे उठ रहे हो. नो, यू नीड टू स्लीप बाय मैक्सिमम 1-2 AM. जनरली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है. जो बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट्स आएंगे वो इसमें आएंगे कि मैक्सिमम आप 1-2 बजे तक सो जाओ एंड 8-9 घंटे की नींद, बेबी स्लीप लो. सम सप्लीमेंट्स दैट कैन हेल्प यू स्लीप वेल आर मेलाटोनिन, एल-थियानिन, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, साथ में जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विच यू ऑल्सो कॉल ZMA. पर ये सप्लीमेंट्स आपको एंड स्टेज में लेने चाहिए, जब आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हो स्लीप ऑप्टिमाइजेशन के लिए. अब स्लीप ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जब आप स्लीप एकांश टाइप करोगे आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी. वॉच दैट, इंप्रूव योर स्लीप. जितना ज्यादा अच्छे से सोगे उतना ज्यादा हार्ड अपियर करोगे. जिस दिन बहुत बेकार नींद आएगी उस दिन पफी अपियर करोगे, जो मर्जी कर लो. एंड देन सेकंड लास्ट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर गट. अगर रॉ वेजिटेबल्स, रॉ सैलेड खाने से गैस हो रही है तो सैलेड इज बैड फॉर यू. कुक योर वेजीज एंड ईट दैट. कैलाबैश, घिया होता है, तोरी होता है, टिंडे होते हैं, इन सारे लाइक गाजर, मटर, ये वो, अगर आप इनको कुक करके खाओगे तो आप देखोगे कि आपको डाइजेशन में इतना इशू नहीं हो रहा और ये अब्सॉर्ब भी हो रहे हैं सारे माइक्रोज, एंड आपको बहुत सारा वाटर कंटेंट भी मिल रहा है. क्योंकि कुकिंग, अगर आप फॉर एग्जांपल घी को कुक करते हो तो उसका वाटर कंटेंट लूज नहीं होता है. और अगर किसी लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप गाजर मटर बना रहे हो तो उसमें गाजर और मटर का वाटर कंटेंट लूज हो भी रहा है, पर उसके कॉस्ट पे आप उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स को किल कर रहे हो कुकिंग से, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे. क्योंकि अगर आपको डाइजेशन इश्यूज होंगे तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा बॉडी में, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपकी स्किन में पानी होल्ड होगा ही होगा. सो इफ यू फेसिंग एनी गट डिसऑर्डर्स, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, दूध छोड़ दो. शुगर से दिक्कत हो रही है, शुगर कम कर दो, उसको रिप्लेस कर दो स्टेविया से. सैलेड से दिक्कत हो रही है, कुक करके खा लो. सो फाइंड योर इशू एंड फिक्स दैट. मैंने डाइजेशन पे भी एक वीडियो बनाई है, IBS एकांश लिखोगे तो आपको वहां से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वॉल्व इंटेंसिफायर्स इन योर वर्कआउट, लाइक रेस्ट पॉज सेट, क्लस्टर सेट्स, ड्रॉप सेट्स, सुपर सेट्स. अब ये सब क्या है? फॉर एग्जांपल रेस्ट पॉज
सेट में, मेरा तो फेवरेट सेट है स्पोर्ट्स सेट। इसके अंदर क्या करना होता है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, हैवीएस्ट वेट लेना जिससे आपके सिर्फ 5 से 6 रेप्स निकले। और फॉर एग्जाम्पल को बाइसेप कर्ल करना है, ठीक है, मैं 25 किलो का डंबल ले लूंगा जिससे मैं चीट रेप्स मारूंगा, 5-6 रेप्स मेरे से जैसे मोमेंटम में मार रहा हूँ, देन मैं कम करता चला जाऊंगा एंड रेप्स को बढ़ाता चला जाऊंगा अपने हिसाब से एंड 6 ड्रॉप सेट्स मारूंगा। तो ये 6 ड्रॉप सेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हैवीएस्ट, जो जहां पे मैं ईगो लिफ्टिंग कर रहा था, ईगो लिफ्टिंग मत करना, थोड़ा नॉर्मल ले लेना क्योंकि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हैवीएस्ट वेट से लेकर लाइटेस्ट वेट तक रेप्स बढ़ाते हुए 6 ड्रॉप सेट मारने हैं। इसको हम कहते हैं रन द रैक सेट। तो इससे क्या हुआ, आई जस्ट मैक्सिमाइज्ड माय मैकेनिकल टेंशन एंड जो मसल को रेजिस्टेंस मिल रही थी वो मैंने मैक्सिमाइज कर दी। अगर मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मुझे इंटेंसिव है और ज्यादा करना है तो मैं सुपर सेट्स में करूंगा एक्सरसाइज को या ड्रॉप सेट्स में करूंगा। एंड अनदर फेवरेट इज रेस्ट पॉज सेट एंड क्लस्टर सेट। रेस्ट पॉज सेट में क्या होता है कि आपने एक डंबल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंक्लाइन चेस्ट प्रेस कर रहा हूं तो मैंने वहां पे 25 किलो का डंबल ले लिया, ठीक है, अब वहां पे मैंने उससे जितने फेलियर तक मेरे से निकलते हैं 12, 15, 20 जितने भी रेप्स निकलते हैं करे, बैठा 15 सेकंड का रेस्ट लिया, सिर्फ 15, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, मुझे 3 मिनी सेट्स मारने क्योंकि इसमें 15 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर फेलियर तक मारा। अब ऑब्वियसली पहले सेट में अगर 20 रेप्स मेरा फेलियर आया, दूसरे सेट में मेरा 20 रेप्स में नहीं आएगा, उससे कम में आ जाएगा, बट मुझे पुश फिर भी करना है चाहे मेरे को चीट रेप्स मारने पड़े। फिर मैं उठा, 15 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर से मैंने फेलियर तक किया। तो 3 मिनी सेट्स इज इक्वल टू 1 रेस्ट पॉज सेट। क्लस्टर सेट में क्या होता है कि आपने एक डंबल लिया जिससे आपका 5-6 रेप्स में फेलियर आए, मतलब हैवीएस्ट डंबल लिया आपने, एंड देन आपने 5-6 रेप्स निकाले, उसके बाद उसको रखा, 20 सेकंड का रेस्ट किया और उसके बाद फिर से किया, ऐसे 3 से 4 बारी किया आपने रेस्ट ले लेके 15 से 20 सेकंड्स का, 5 से 6 रेप्स आपने अच्छे फॉर्म में निकाले। तो उससे क्या हुआ, आपने ज्यादा वेट पे बहुत सारे सेट्स करे और उसको एक ही सेट का नाम दिया, तो उससे आपने मैकेनिकल टेंशन को मैक्सिमाइज किया। सो डू व्हाटएवर यू कैन टू एक्चुअली टॉर्चर योर मसल एंड इंक्रीज मैकेनिकल टेंशन। पर हाँ, ध्यान रखना कि ओवर ट्रेनिंग ना हो, ओवर ट्रेनिंग से भी बॉडी में पानी होल्ड होता है। सो यू नीड टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट। कैसे आएगा ये, वर्कआउट लॉक शीट आप अपनी खुद बनाओ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को और DIY में बंदों के पास है मेरे, बहुत सिंपल है, वर्कआउट लॉक शीट बनाओ, उसके अंदर लॉक करो एंड एवरी वीक अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स देखो कि क्या आपको ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, एंड देन फाइंड योर स्वीट स्पॉट एंड ट्रेन हार्ड। डू नॉट ट्रेन लाइक एन एस, बट ट्रेन हार्ड इनफ। एंड ये सारे के सारे स्टेप्स अगर आप कर लो अलॉन्ग विद लूजिंग फैट, आपको कोई रोक ही नहीं सकता हार्ड श्रेडिड फिजिक अचीव करने से। और यहाँ पे मैं आपको प्रूव कर दूंगा ये, माई क्लाइंट सौम्या इज पार्टिसिपेटिंग इन HSF नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है जून में, देखते रहना, उसका प्रेप का अपडेट मैं अपने स्टोरीज पर दूंगा। एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट द रेसिपी बुक, नीचे दिए गए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, सारे कैलोरीज मैक्रोस सब मेंशन है उसके अंदर। इफ यू वॉन्ट टू गेट द DIY प्रोग्राम, नीचे क्लिक करके आप सब कुछ, if you want to get coached by me, sab niche description box mein mentioned hai, zyada nahi bataunga. Thank you for watching this video, I hope this video helped you, if it did please press the like button and share kar do us bande ke sath jiski help ho jayegi ye video dekh ke bahut zyada. Aur agar aapke paas aur koi idea hai, ye idea bhi mujhe mere kisi bhai ne diya tha, so niche comment kar dena. I am here for your service, thank you all for your love and support, bye guys.